दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आवास के नवीनीकरण मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल सीबीआई ने इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले बताया है कि नए आवास के निर्माण और नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई ने प्रारंभिक जांच दर्ज की है। वहीं सीबीआई के प्रारंभिक जांच पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी के लिए सभी जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है, लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ जनता का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल के साथ है। इस जांच से कुछ नहीं निकलेगा, भाजपा चाहे जितनी भी जांच करवाए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी के हितों के लिए लड़ते रहेंगे। बता दें कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि केजरीवाल के अवैध बंगले के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया। कोरोना के काल में दिल्ली की जनता के पैसों से गैरकानूनी शीश महल बनाने का पाप केजरीवाल ने किया है। इस अपराध की सजा से केजरीवाल बच नहीं सकते। वहीं केजरीवाल आवास के ऊपर कांग्रेस ने भी हमला करते हुए दावा किया था कि उनके पास खर्च की गई राशि 171 करोड़ रुपए की थी, ना कि पहले बताई गई 45 करोड़ रुपए, क्योंकि उनकी सरकार को मुख्यमंत्री आवासीय परिसर के विस्तार के लिए जिन अधिकारियों के घरों को ध्वस्त करना पड़ा या खाली करना पड़ा, उसके लिए सरकार को अतिरिक्त फ्लैट खरीदने पड़े। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कहा कि आवास के लिए खरीदे गए 8 नए पर्दों में से एक की कीमत करीबन 7.94 लाख रुपए से अधिक है, जबकि सबसे सस्ता पर्दा 3.57 लाख रुपए का है। दस्तावेजों का हवाला देते हुए पात्रा ने कहा कि 1.15 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के संगमरमर वियतनाम से लाए गए थे, जबकि पूर्व निर्मित लकड़ी की दीवारों पर 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।